आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। बीजेपी विधायक ने अमित शाह को पत्र लिखकर दी बड़ी मांग, मणिपुर से वापस बुला लीजिए सेना। मणिपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार इमो सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से राज्य से केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाकर स्थानीय सुरक्षा बलों को स्थिति संभालने देने का अनुरोध किया। मणिपुर के बीजेपी विधायक और मुख्यमंत्री के दामाद राजकुमार इमो सिंह ने सोमवार 2 सितम्बर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर से केंद्रीय बलों को वापस बुलाने की मांग की। बीजेपी विधायक का आरोप है ज्यादातर सुरक्षा बल मूक दर्शक बने खड़े रहते हैं। राष्ट्रीय हिंदी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक राजकुमार इमो सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री के लिखे एक पत्र में केंद्र से अनुरोध किया कि यदि वे सोमवार को जारी हिंसा को प्रभावी ढंग से रोकने में असमर्थ हैं तो राज्य से केंद्रीय बलों को वापस बुला लें। बीजेपी विधायक राजकुमार इमो सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि जाति संघर्ष से प्रभावित राज्य में सामान्य स्थिति में फिर से शुरू करने के प्रयास में केंद्र को राज्य सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने लिखा, मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों के रहते हुए भी शांति स्थापित नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसे बलों को हटाना बेहतर है जो ज्यादातर मूक दर्शक के रूप में मौजूद रहते हैं। हाल ही में राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग न करने के कारण असम राइफल्स की कुछ यूनिटों को वापस बुला लिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक राजकुमार इमो सिंह ने कहा कि हम असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को हटाने की कार्यवाही से प्रसन्न हैं जो राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन अगर इन और अन्य केंद्रीय बलों की मौजूदगी हिंसा को नहीं रोक सकती है तो उन्हें हटाना और राज्य बलों को कमान संभालने और शांति लाने देना बेहतर है। विधायक राजकुमार इमो सिंह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को यूनिफाइड कमांड अथॉरिटी ट्रांसफर करने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने हिंसा को रोकने में मौजूदा व्यवस्था को प्रभावी बताते हुए इसकी आलोचना की और तर्क दिया कि शांति बहाल करने के लिए यह ट्रांसफर महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यूनिफाइड कमांड को सीएम के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सौंपना चाहिए और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कानून द्वारा तय प्रक्रियाओं के अनुसार काम करने देना होगा। अपने पत्र में राजकुमार इमो सिंह ने केंद्र सरकार से उन उग्रवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया है जिन्होंने संचालन निलंबन SOO समझौते के बुनियादी नियमों का उल्लंघन किया है। सिंह ने कहा कि ये समूह राज्य में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने शाह से उनके साथ SOO समझौते रद्द करने का आग्रह किया। इसके अलावा बीजेपी विधायक ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह हथियारों और गोला बारूद की फंडिंग और आपूर्ति की जाँच करे। उन्होंने कहा कि एकमात्र जाति संघर्ष इतने लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, लेकिन अवैध हथियारों और गोला बारूद के समर्थन और आपूर्ति के कारण ये लगभग 1.5 साल से जारी है।